बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, और हम भी खैरियत से हैं। और जो मेरे बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने से हमें देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको खुश रखे, आबाद रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। तो जी भाई, मैंने अपनी डेली रूटीन का आगाज़ वो कर लिया है। अभी हो रहे हैं, दोपहर हो रही है तकरीबन, क्योंकि सुबह का जो नाश्ता हमने फटाफट से कर लिया था। और जो है, हमारे घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ गए थे। आज मेरी नन ने उनकी अपनी फ्रेंड्स की दावत रखी है। और रात को जो मैंने कपड़े धो लिए थे, अभी थोड़े बहुत ये मेरे बेटे के जो हैं स्वेटर वगैरह और ये शर्ट पैंट वगैरह टंगे हुए हैं तार पर, और उस तरफ मेरी नन ने धोए हैं कपड़े। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इंशाल्लाह इस जो बनाना ट्री के पास हम जो हैं वो धनिया उगाएंगे, और वो व्लॉग भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। तो रहिएगा मेरे साथ साथ जी व्यूअर्स। तो ये मेरे शौहर ने जो है अब शुरू कर दी सफाई, घास वगैरह भी हटाएंगे, और यहाँ पर हम आप लोगों को दिखाएंगे कि हम धनिया कैसे उगा रहे हैं। क्योंकि धनिया ज़रूरत की चीज़ है, हर सालन में हर चीज़ में डलती है। तो इसी वजह से आज जो मेरे शौहर हैं वो दाना धनिया जो है वो उगाएंगे, और आप लोगों को भी ये व्लॉग में आप लोगों से भी शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर देखिएगा और रहिएगा मेरे साथ साथ। व्यूज़, आज मैंने आप लोगों से दोपहर का खाना भी जो है वो क्या बनाया क्या खाया शेयर भी नहीं किया, क्योंकि आज मैं कह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे घर में मेहमान आए हुए थे गाँव से, यानी ईरान के विलेज से। तो उसी में हम मसरूफ़ थे, आप यकीन करें। मैं तो एक यानी क्या बोलते हैं जो है वो बहू हूँ, तो मुझे तो जाहिर सी बातें काम करना पड़ेगा। अगर ना करूँ तो फिर सासू माँ कहेंगी मेहमान आए और बहू ने कुछ काम नहीं किया, इसीलिए तो आज मैं बिज़ी थी। और हमने आज मैंने बनाया था वाइट चावल और चने की दाल, तो फटाफट से हमने वो भी खा लिया। माजरत के साथ आप लोगों को मैंने ब्लॉग में जो है वो नहीं दिखाया बनाना। सही तरीके से अब इसमें पानी जो डाला जाएगा ना, तो इसमें बिल्कुल पानी जो है वो बाहर इस तरफ उस तरफ नहीं जाएगा। ये देखिए, जबरदस्त। ये देखिए शौहर जी, अब इसमें पानी डाला जाएगा तो बाहर तो नहीं निकलेगा ना। अच्छा शौहर जी, ये हमारा बनाना ट्री जो है वो कब तक बड़ा होगा? अभी काफी टाइम लगेगा इसको? नहीं, ये बनाना ट्री इसके ये केले के दरख्त को कह रही हूँ मैं, धनिया को नहीं कह रही। अच्छा जी हाँ, ये कब तक? अच्छा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा। अच्छा, अभी तक मेरे शौहर जी कह रहे हैं अभी तक ये बच्चा है। शौहर जी, आपने अभी ये क्यों बड़ा कर दिया? यहाँ पर धनिया उगाएंगे? अच्छा, मेरे शौहर जी आपको पता है वीडियो में ज़्यादा बात नहीं करते, क्योंकि उन्हें बहुत ज़्यादा जो है वो उर्दू नहीं आती, इसी वजह से। ये पीछे आप लोगों को आवाज़ें आ रही होंगी, ये मिस्त्री काम पर हैं। बड़ी मुश्किल से मैं व्लॉग बना रही हूँ आप लोगों के लिए, तो मुझे सपोर्ट तो है बहुत ज़्यादा कीजिएगा। जी व्यूअर्स, तो धनिया जो है यहाँ पर बनाना ट्री के पास ही जो है वहाँ पर ये उगाएंगे। ये है धनिया, तो ये जो जगह है ना, यहाँ पर आप लोग घास और ये पत्ते वगैरह देख रहे हैं,
तो ये अभी बहुत ज़्यादा गीले हैं क्योंकि ज़मीन के नीचे से निकले हैं, तो ये कल सुबह लगेगी, ये सूख जाएंगे। तो कल या फिर किसी ब्लॉक में फिर यहाँ पर भी जो है हम धनिया उगाएंगे इंशाल्लाह। फ़िलहाल हम यहाँ पर उगाएंगे क्योंकि ये ज़मीन जो है मेरे शौहर ने बिल्कुल साफ कर ली है। तो ये व्यूअर्स देखें, मेरे शौहर जी जो हैं, ये धनिया देखें, ये धनिया के जो बीज हैं वो ये डाल रहे हैं। अब ये इनको इनके ऊपर जो है वो इनको ज़मीन के नीचे कर रहे हैं इन बीज को। पानी भी डालेंगे यहाँ पर या नहीं? अच्छा पानी भी डाला जाएगा। अच्छा नहीं मैं समझी कि आज आप इसको वो करेंगे तो पानी नहीं डाला जाएगा। अच्छा तो कह रहे हैं कि पानी भी अभी डाला जाएगा। ये देखें इतना ब्यूटीफुल सा बनाया है ये जगह मेरे शौहर जी। पानी दे रहे हैं मेरे शौहर। मैं समझी सिर्फ धनिया उगाएंगे आज पानी नहीं दिया जाएगा। देखें मेरे शौहर जी कह रहे हैं कि पानी दिया जाएगा क्योंकि पानी से ही वो उनकी पैदावार जो होगी वो बड़ी होगी। अब ये 3-4 दिन में वो उग जाएंगे मेरे शौहर जी। अच्छा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा लगा और जगह कैसी लगी, छोटी है बड़ी है, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पानी दे दिया है मेरे शौहर जी ने धनिया को। अब देखते हैं, शौहर जी तो कह रहे हैं 1-2 दिन में बड़े हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि हमारे धनिया जो है वो कितने बड़े हो गए। जी व्यूअर्स, तो जो मेरे शौहर जी नहीं वो जे सीते हैं उनके बीच में जो जगह खाली होती है ना, तो फिर ये हम बलोची में बोलते हैं चंबन। तो हम चंबन जो है वो मैं सी रही हूँ उर्दू में, यानी कह लें आउटलाइन। तो ये वैसे उल्टा सिया जाता है तो मैं आपको जो है वो सीधा करके दिखाऊंगी। और काले और सफ़ेद धागे से इसको सिया जाता है। अभी रुकिएगा, यहाँ पर जो ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। जी तो यहाँ पर जो है वो ये ख़त्म हो गया। अब मैं इसको कैंची से जो है वो काटती हूँ। ये देखिए व्यूज, देखिए ये जैसे यहाँ पर हम लोग बलोची में इसको चंबन बोलते हैं, इस तरह से ये सिया जाता है। देखिए यहाँ पर आप देखें ना, ये जो कढ़ाई, जैसे मेरे शौहर जो ये कढ़ाई करते हैं ना, तो ये जगह देखें खाली है। यहाँ पर ये आउटलैंड, जैसे हम लोग चंबन बोलते हैं और उर्दू में आउटलैंड समझ लें आप लोग। अब मुझे बताइएगा कि ये कैसा लग रहा है ड्रेस, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जी व्यूअर्स, तो ये किराए का ड्रेस मुझे मिला है और मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये ईरान का बिल्कुल न्यू ठप्पा है। ये जो आप लोगों को दिखा रही हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं, ठप्पे का नाम है तुमक, तुमक भी बोलते हैं, तुमक भी बोलते हैं, पता नहीं क्या है सही नाम। तो मुझे व्यूअर्स जो है ये बलूची ड्रेस मिला है किराए का ठप्पा लगाने के लिए। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ एक छोटा सा लुक के बलोची ड्रेस पे जो है वो ठप्पा कैसे लगाया जाता है। मुझे भी ये ठप्पा बहुत ज़्यादा पसंद है। आजकल जो है वो ईरान के सिटी चाबार में जो है ये ठप्पा बहुत ज़्यादा मशहूर है, हर कोई लगाता है, हर कोई। ये देखिए, तो मेरे शौहर जी जो हैं वो मशीन का काम करते हैं, यानी कि जे सीते हैं। और अब मैं लगाऊंगी इसमें ये बीच वाला जो है छोटा सा फूल इसका। ये जो है ना बिल्कुल ठीक से तरतीब से लगाना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा भी टेढ़ा हो गया ना तो इसका जो लुक है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। Thank you.
उनकी फ्रेंड्स वगैरह आई हैं। आपको मैंने बताया कि वो दावत पे जो है आज वो आए हैं यहाँ पर। जी व्यूअर्स, तो ये देखें मैंने उस साइड पे भी जो है ये वाली भी लाइन मैंने पूरी कर ली। अब दोबारा से रिटर्न मैंने ये जो है लाइन लगाई। अब मैं ये लगाऊंगी। अब इसका देखिएगा फाइनल लुक। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये ड्रेस मुझे ठप्पे के लिए भी दिया है और मेरे शौहर जी को भी दिया है कि वो जेबी जो है इसके ऊपर सी लें। और जब मेरे शौहर जी जेबी सी लेंगे तो इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों को किसी ब्लॉग में दिखाऊंगी इंशाल्लाह। क्योंकि ये ठप्पा जो है मुझसे आज तो कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि आज घर पर जो है मेहमान आए हुए हैं। तो ये देखिएगा व्यूअर्स, ये है इसका फाइनल लुक। पहले मैंने जो है ये वाला लगाया, उसके बाद जो है बीच में मैंने ये वाला लगाया और फिर ये वाला लगाया। अब मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि मैंने कैसा लगाया, अच्छा लगाया, ये दिखाए भी देखिएगा। जी व्यूअर्स, तो मैं वीडियो को करती हूँ यहाँ पर एंड। तब तक रखिएगा अपना ख्याल, दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा पसंद आई है तो सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, सपोर्ट कीजिएगा। और मिलते हैं तो फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।